वरना ऊपर से एलॉय दिख रहे हो तुम, एलॉय व्हील साइड से बाहर निकलते हुए, ये है स्टार वाले। डबल मोटर लगाऊंगा तुम्हें पता ही है, ये देख लेना ऐसा है कुछ। देख रहे हो बाल्टी कितनी सी हो गई, काटी है देख रहे हो भाई, इतनी सी बची है बस। बजा तो मतलब हम आज रात को ही निकल रहे हैं, कहाँ पर? मनाली निकल रहे हैं भाई। गुड मॉर्निंग शीतोस, वेलकम बैक टू द व्लॉग, होप सारे बढ़िया ही होंगे। और भाई एक चीज दिखाओ तुम्हें, एक चीज अभी नजर पड़ी, अभी क्या सुबह से नजर पड़ रही है मेरी, ये देखो, देख रहे हो वरना, और ऊपर से एलॉय दिख रहे हो तुम, एलॉय व्हील साइड से बाहर निकलते हुए, ये है स्टार वाले। और भाई बाहर निकल रहे हैं, कम से कम 1.5 इंची तो बाहर होंगे ही, है ना? सही लग रही है, गजब लग रही है, मुझे पता है किसकी है, है ना? तो और भाई आज हम चल रहे हैं, थंबनेल देख के तो पता ही चल जाता है, सब कुछ पहले ही पता लगा लेते हो तुम मेरे से पहले, है ना? आज हम सिस्टम हैंग करने जा रहे हैं। बहुत दिनों से तुम कह रहे थे कि हूटर का एम्प ले लो भाई, ये हूटर लगा लो, हूटर लगा। बाल्टी कहाँ है भाई, बाल्टी किधर है? बाल्टी देखूँ भाई, मैंने कहीं रखी हुई थी, पता नहीं किधर रखी है, इस बालकनी में रखी है या फिर पता नहीं पी आगे वाली में रखी। बाल्टी मैंने रखी हुई है और हूटर का एम्प लेने जा रहे हैं भाई, कश्मीर गेट से जाएंगे लेने, है ना? और तरुण को उठा लूंगा। और यार मुझे पता नहीं है कि हूटर का एम्प कौन सी दुकान पे मिलेगा, जहाँ ज्यादातर ना वो दुकान सिस्टम का है और लाइटों वाइटों के हैं, एम्प का शायद पता नहीं, फिर भी देखेंगे, मिल तो जाएगा ये इतना तो पता है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी दुकानें पूछनी पड़ेंगी सस्ते के हिसाब से, है ना? तो तुम्हें रेट भी बताऊंगा और बढ़िया सिस्टम हैंग करके लेने चलते हैं हूटर। ट्रिप से पहले हूटर जरूरी है, है ना? तो लगवाते हैं, डबल हूटर लगाऊंगा तुम्हें पता ही है, डबल से कैड़ा मजा आता है, कैड़ा कैड़ा। ठीक है अभी बाल्टी देखूँ मैं कहाँ पर है, साड़ी चीज दिखाऊँ एक चीज, ए ए ए आ ये क्या है भाई? अरे बताना जरूर क्या है यू, अरे यू को लिख रहा आहूजा, अरे यू का है, मिल गई क्या बाल्टी? हाँ ये सिस्टम है, चलो लगवाने चलते हैं, इस बाल्टी को भी रख लूँगा डिग्गी में और लगवाने का ब्लॉग तो आ रहा है, पहले खरीद तो लें, तो मैं रेट वेट बताऊँ कि क्या क्या एम्प का क्या रेट है और कहाँ से कौन सी दुकान से मिल रहा है, है ना? तो चलते हैं जल्दी और एम पूछ के आते हैं डबल हूटर का। तो भाई तुम्हारा भाई निकल चुका है और ये घड़ी अपनी रानी क्या प्यारी लग रही है ना, लेकिन यार पता है एक चीज बताऊं, ये क्या कहते हैं उसे, ये जो गाड़ी धुलवाने वाला रखा है ना हमने, बहुत वो है काम चोर, किस दिन छोड़ देगा किस दिन करेगा ऐसे करता। लेकिन अपना ये भी ले आए हैं बाल्टी और अंदर रखते हैं, निकालते हैं अपनी रानी को। गाड़ी खोल दी मैंने, देख रहे हो आग उबल रही है और क्या कहते हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले से ना थोड़ी सी राहत है, थोड़ी सी जो तूफान आ रहा है ना उसकी वजह से थोड़ा ठंडा हो रहा है। रोकड़ा भी ले गया है, ठीक है रखते हैं। और अबे बटुआ ही रह गया सारा, पर्स ही रह गया अभी और इसमें कुछ भी नहीं है, मैं देखता हूँ। और क्या कहते हैं, थोड़ी सी ठंडी होने देते हैं गाड़ी को, फिर निकालते हैं। और बाइक स्कूटी कुछ भी नहीं है लगाने के लिए, कोई गाड़ी लग गई ना फिर कहीं और खड़ी करनी पड़ेगी, या फिर वहाँ खड़ी करता हूँ मैं छाए में पेड़ के नीचे, यहाँ तो एकदम से जल जाती है बहुत बुरी, है ना? तो निकालते हैं चलो। कान टूटे बंदे अब मित्रा की गे, जिंदगी ते मौत के बिचाले खेलोगे, चौन चाका करे बैठी है तबार तू, मैं भरत के देखे है दिला मनी पे, तेरे कोले जिक बार खड़ी मित्रा की था, मिनट लाचार देख आजा बिलो बार। तो भाई से कहाँ से ले रहा हूँ मैं, कहाँ सारा बाल कटोगे और क्या? और क्या लेने जा रहे हैं हम, ये तो बता। एम एम हूटर का मिल जाएगा, पता नहीं भाई देखते हैं, अपना आना पड़ेगा वापस, मिल तो जाएगा वैसे। हाँ मिल तो जाएगा, कितने तक मिले, क्या मिलेगा कुछ पता है? 2000 रुपए का, 2000। चलो भाई देखते हैं। और भाई एक और बात है जो हम मैंने तुम्हें बोला था ना कि हाँ भाई एक लड़के का बर्थडे बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसका जन्मदिन आज ही है, 25 है ना आज, 25 तुम कब देख रहे हो, कल देख रहे हो, मतलब 26 को देख रहे हो ना ब्लॉग, तो उसका जन्मदिन आज ही है। तो हमने प्लान बनाया था कि उसके जन्मदिन पे जाएंगे या फिर वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन आज रात उसको ख़त्म हो जाएगा जन्मदिन, है ना? तो मतलब हम आज रात को ही निकल रहे हैं, कहाँ पर है वे? मनाली निकल रहे हैं भाई, कुछ पक्का नहीं पता लेकिन ऐसे लग तो रहा है कि हाँ भाई निकल जाएंगे, देखो वैसे निकल तो जाएंगे। और पैसे वैसे कम ही हो रहे सब पे, सोचो 20,000 लेके चल रहे हैं हम, 20,000 बजट, 20-25,000, और मनाली में हम चारों पांचों को पता नहीं कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा 20,000 में। अब देखो कैसे काटते हैं, हम दिखाऊंगा तो मैं कैसे कैसे चलाएंगे 20-25,000 में। पहली बात तो दो गाड़ी जा रही है, एक तो अपनी हो गई हमारी और एक जा रही है, एक हेक्टर जा रही है, वो है एक है करण भाई है उसकी जा रही है। तो भाई देखो कैसा ट्रिप होती है और मजा आएगा। अब क्या कर रहा बस वाला,
ठीक है, और मतलब आज ही रात को ही मैं नेक्स्ट व्लॉग चालू कर दूंगा और शॉर्ट वॉर्ड भी देख लेना दो तीन डालूंगा मस्त ही, है ना। चलो भाई, और पहले पहुंचते अपना हूटर ले, क्या कहते हैं एम्प लेने हूटर का। भाई पहुंच गए हैं फाइनली, और भाई इतनी चिपक के पार्किंग है ही नहीं आज तो, पता नहीं क्या दिक्कत है। ना गाड़ी तू समझ, ये लग गई रानी पार्क कर दिया भाई, इधर देख रहे हो पार्किंग जगह खाली नहीं है, बार बार नाश्ता वरना ठीक है। और देखते हैं अंदर जाके कहाँ दुकान मिलेगी एम्प की, एम्प कहाँ पर मिलेगा, कौन सी दुकान में मिलेगा पता नहीं, अभी तो पूछना पड़ेगा, देखते हैं। चलो जैसे तुम्हें पता है इसकी गाड़ी ठीक होने वाली है डेंट पेंटिंग के लिए, तो इसको बैक लाइट चाहिए, टेल लाइट जो यहाँ पर पता कितने की मिल रही है वो है वैगनार की 500 की एक, मतलब 1000 रुपये के दो पेयर, और कंपनी वही क्या कौन सी थी पता नहीं, कंपनी थोड़ी आती है कंपनी है, लेकिन ठीक लग रही थी। इतनी आती है सर, महंगी आती है वैसे तो 1000 रुपये की एक मिलती है। अरे वाह भाई, भाई देख लो वैगनार की क्या कहते हैं उसे साइड मिरर के, वो सब कुछ मिलता है A to Z। एम्प ढूंढते हैं बस मिल जाए, दुकान पर आए हैं देख रहे हो कौन सी बत्ती मिल रही है, ऊपर वाली ऊपर लाल बत्ती जो होती है ये वाली, पूरी गली ना छान मारी, यहाँ पर किसी की बात नहीं है, जिससे भी पूछो नहीं है नहीं है नहीं है कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ मिलेगा समझ नहीं आ रहा, बस मिल जाए यार। इसमें भी नहीं है क्या, बाहर रोड पे चल फिर, इधर इस लाइन में भाई है ही नहीं किसी की, हाँ तो सब जगह छान लिया लेकिन मिल के नहीं दे रहा, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अब हमने क्या डिसाइड किया है कि हम जा रहे हैं नोएडा सेक्टर पता नहीं कौन सा 62 पता नहीं कौन सा सेक्टर 16 कार मार्केट, तो भाई वहाँ मैंने एक बार देखा था कि डबल हूटर साउंड वाला ना वहाँ मिल रहा था, तो वहीं पर जाके ले रहे हैं, अब यहाँ पर तो कोई मिल नहीं रहा, सब मना कर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि विद हूटर मिलेगा वरना एम वैम नहीं मिलेगा, तो सब जगह पूछ लिया, अब चलते हैं नोएडा वहीं पर मिलेगा जो कुछ मिलेगा। ठीक है चलो, फाइनली नोएडा आके मिल ही गया, देख लो नोएडा सेक्टर 16 कार मार्केट है, यहाँ पर इस दुकान पर आए हैं। पीए पता नहीं पीए कौन सी कंपनी है, न्यू कंपनी पता ना, पीए मोबाइल म्यूजिक टोन पीए ऐसे कुछ है, ऑनलाइन भी ऐसे मिल रहा था, तो देखते हैं कैसा निकल जाना भी, एक बार चेक करवा के देख लेंगे ना कि चालू है कि नहीं, फिर सही रहेगा। ये रहा, हम क्या कह रहे हो, आपको पैक पीस ही देता हूं। हाँ हाँ एक बार चेक करा के दिखा दो कि चल रहा है कि नहीं, ये देख लो ऐसा है कुछ, भाई भाई अभी चेक करा रहा है आवाज, भाई पी स्पीकर में चेक कराओगे, बाल्टी लेके आ रहा हूं, नहीं बाल्टी किधर है, कहाँ बाल्टी, हाँ ये चाहिए नहीं इस पे बदलेगा, अच्छा तो भाई इस पे पता चलेगा स्पीकर में क्या बदल रहा है। ठीक है भाई प्लान बदल गया, अचानक ही प्लान बदल गया, कह रहा तरुण की लगवा ले अभी क्या करवा लेगा वो, मैं क्या कहते हैं बाल्टी लाया भी हुआ था पीछे रख के तुम्हें पता ही है, तो मैं सोच रहा हूँ इंस्टॉल ही करवा रहे हैं ठीक है अभी, और ट्रिप पे जाने में मज़ा भी आएगा, और करवाते हैं इस पहले ना इस सीट के नीचे एम्पलीफायर लगा हुआ था जो चोरी हो गया था, तो इसी पर रख के नीचे लगवाएंगे, और बाल्टी भी नहीं पड़ी हुई है, और कहीं नीचे रख के लगवाते हैं,
ये लो भाई, ये पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आधी काटनी पड़ेगी क्योंकि इस जगह ना आ नहीं पा रही, अगर वहाँ लगवानी तो पूरी आ जाएगी। भाई मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से अच्छा इधर ही लगवा लेते हैं, अंदर को सही रहेगा। देख रहे हो बाल्टी कितनी सी हो गई, काटी है देख रहे हो भाई, इतनी सी बची है बस, बेकार लग रही है। तो अगर आवाज कम पड़ी ना, एक और लेनी पड़ेगी बाल्टी और फिर उस तरफ लगवानी पड़ेगी। देखो भाई आवाज कैसी आती है कटने के बाद। तो भाई यहाँ का क्या कहते हैं, बाल्टी तो फिट हो गई है, अब हो रहा है एम्पलीफायर फिट। इस सीट के नीचे करोगे भी भाई? तो उसी के लगेगा नीचे है, इसके नीचे लगेगा, इसके नीचे थोड़ी लगेगा। हाँ पता है मुझे, फिर भी जिन जिन को नहीं पता ना मैं उनको बता रहा हूँ कि हाँ भाई दूसरा क्या कहते हैं, जिसके पास स्पीकर का एम्प जो है वो यहाँ लगता है, और क्या कहते हैं सायरन का एम्प वहाँ उस ड्राइवर सीट के नीचे लगवा लो, उसी रहता है। अभी फिटिंग हो रही है, कर रहे हैं बस। तो चीतोस भाई सारा काम हो चुका है अपना, हूटर वो क्या कहते हैं बाल्टी फिट हो गई और एम्प भी अपना फिट हो गया, देख रहे हो। और आवाज़ यहाँ से फुल है, मैं देख लूँ एक बार आवाज़ फुल है कि नहीं, एम्प निकाल के भाई आवाज़ इसका अच्छा वहाँ से उल्टा लगा रखा है इन्होंने, आवाज़ यहाँ से फुल है भाई, देख लो फुल है। और डुअल टोन, पता है डुअल टोन पुलिस वाला यही बढ़िया लगती है, और बाकी एम्बुलेंस वाली और पता नहीं कौन कौन सी है, फायर ब्रिगेड। हाँ फायर ब्रिगेड। चलो भाई अब जब सामने आओ ना बजाइयो, बजा सिस्टम है पकड़ा। रिएक्शन देख रहे हो सबके, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत चीज निकल रही है लेकिन इतना तगड़ा बज रहा सरन, बहुत तगड़ा। कोई नहीं, निकालते हैं गाड़ी को और चलते हैं, और इसको छोड़ना भी है और फिर रात को आना भी है वापस, मजा आने वाला है। छोड़ रहा है देखो, ऐसी करेंगे ऐसे वो लोग के लिए गाड़ी है, स्कूटी छोड़ के आ रहे। अबे पेट्रोल बचाना ना, देख पेट्रोल बचाना भाई, पैसे नहीं गंदा बच रहा, पैसे नहीं है भाई। तुम्हें अंदर से अब चेक करा दिया जाए, ये लो देख रहे हो लोगों की हाथ में आती है। अभी शीशा नीचे करके दिखाता हूँ। तो जी भाई अभी रोड रिएक्शन देखना, भी प्रेजेंस क्या कहते हैं आगे के लोग पे ध्यान रखो, और आधी विंडो खोल रहा हूँ मैं ताकि आवाज ज्यादा आए। कैसी लगी भाई आवाज, कमेंट करके बता दो। सिस्टम हैंग कर रही है तुम्हारे भाई, सिस्टम हैंग कैसा लग रहा है हूटर जरा कमेंट करके बता दो। तुम्हारे भाई ने क्या ही तगड़ा लगवाया ना, यही हूटर चाह रहा था भाई मैं कि ये वाला लग जाए और मस्त, अब ट्रिप पे भी मजा आएगा और क्या कहते हैं आने वाला। बस तुम टेंशन मत लो, आज ही निकल रहे हैं और मैं अभी व्लॉग को ऐड कर रहा हूँ इस, ठीक है, और दोबारा व्लॉग चालू करना पड़ेगा। मनाली कह रहे हैं भाई, अभी वैसे पक्का भी नहीं पता कि निकल जाएंगे या नहीं, किसी का कैंसिल भी हो सकता है किसी की वजह से। और देखो देख रहे हो आंधी चल रही है, ये कैसा मौसम हो रहा है बारिश वाला है ना। अभी नीचे बजा के दिखाऊँ जाके, नहीं यार ये सोसाइटी है, लोग कंप्लेन कर देते हैं कि हाँ भाई ये बहुत तेज चला रहे हैं, ये वो देख रहे हो सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है ठीक है। और भाई हूटर तो लगी है, तुम कह रहे थे ना कि घने दिन से कह रहे हो तुम कि हाँ भाई हूटर कैंप ले लो भाई, ये वो करवा लो, हूटर लगवाओ जल्दी। अब तुम्हारे भाई ने करवा ही दिया, कैसा लग रहा है ज़रा कमेंट करके बता दो ठीक है। और भाई जब तुम कमेंट करते हो ना कि हूटर मतलब ये चीज़ बढ़िया करवाई है तुमने, दिल को सुकून मिल जाता है, तुम जैसे भाई चाहिए ठीक है। और बाकी व्लॉग को करते हैं एंड यहीं पर, मिलते हैं अगले व्लॉग में ठीक है, और जल्दी आएगा व्लॉग मनाली, पता नहीं जहाँ भी जाएंगे या ना जाए। और वो खड़ी अपनी रानी, चलो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।